वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम रमनदीप कौर है। मैं माता साहिब कौर गर्ल्स कॉलेज की विद्यार्थी हूँ। साडा अज का विषय है श्री गुरु तेग बहादुर जी। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के नौवें गुरु सन। उन्हों का जन्म 1 अप्रैल 1621 में गुरुद्वारा गुरु के महल श्री अमृतसर साहिब विखे होया सी। उन्हां दे पिता जी का नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी और माता का नाम माता नानकी सी। उन्हां दा बचपन का नाम त्यागमल सी। करतारपुर की लड़ाई में दिखाई बहादुरी कारण श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उन्हां दा नाम बदल के गुरु तेग बहादुर जी रख दिता। उन्होंने मुढ़ली विद्या बाबा बुढ़ा जी और भाई गुरदास जी पासों प्राप्त की। इस तो इलावा उन्होंने शस्त्र विद्या भी ग्रहण की। उन्होंने विआह माता गुजरी जी नाल होया। शुरू तो ही धार्मिक रुचियां दे मालिक सन गुरु तेग बहादुर जी। बाबा बकाला विखे उन्होंने 20 साल तपस्या की। बाबा बकाला विखे रहिंदिया ही 1664 ईस्वी में उन्होंने गुरगद्दी संभाली। उन्हां द्वारा 15 रागों में रची बाणी के 116 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। उन्होंने पहाड़ी राजा तो जगह खरीद के चक नानकी नाम का नगर वसाया, जो बाद में श्री आनंदपुर साहिब के नाम नाल सिखी का प्रसिद्ध केंद्र बनया। इत्थे ही औरंगजेब के जुल्म के शिकार होए कश्मीरी पंडित गुरु जी को फरियाद लेके आए सन। इस तरह हिंदू धर्म की रक्षा लिए उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक विखे 11 नवंबर 1675 ईस्वी में कुर्बानी दी। पर बादशाह औरंगजेब की ई नहीं मनी। हुण उस जगह गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। मानवता की भलाई और तिलक जंजू की रक्षा लिए दिती कुरबानी कारण ही उन्होंने हिंद की चादर कहा जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।